हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रितिक। आप देख रहे हैं कुछ नया सीखो टेक। तो जैसे कि इंटरफेस में देख ही चुकी हो कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो आज मैं बात करूँगा ओप्पो के फ़ोन के बारे में कि आप लोग किस तरह से ओप्पो के कोई भी मॉडल में आप लोग फ़ोन चेंज कर सकते हैं। इन काफ़ी ज़बरदस्त आप यहाँ पे फ़ोन का मज़ा ले सकते हैं, इन काफ़ी ज़बरदस्त आप यहाँ पे लुक पा सकते हैं अपने ओप्पो के फ़ोन का। तो आप लोग किस तरह से फ़ोन चेंज कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते पहले बताते दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोग रोजाना ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब करो और उस बेल का घंटा दबाना बोले, जैसे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो मेरी वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथ में ओप्पो का फ़ोन। एंड सबसे पहले जाना पड़ेगा आप लोगों को सेटिंग में। एंड सेटिंग आपको यहाँ पे ओपन हो जाती है। एंड सेटिंग में जाने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाला सेटिंग दिख रहा है आप लोगों को, उस पर क्लिक करना है। एंड उस पर जाने के बाद आप लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है फ़ोन का, तो फ़ोन वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है ना, आपको यहाँ पे फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग इसमें देख, जैसे मेरे फ़ोन में देख सकते हैं बहुत सारी फ़ोन दिख रही है, बट आपको फ़ोन में नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी वो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑनलाइन फ़ोन आपके फ़ोन में ऑप्शन आ रहा होगा, तो उस पर अपन क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो प्ले स्टोर है ओपन हो जाएगा। एंड जो प्ले स्टोर पर जो फ़ोन की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। एंड जो भी काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को, तो कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो आप लोग के दिख रही स्टाइलिश फ़ोन, उस पर आप लोग क्लिक, तो डायरेक्टली आप लोग इसे ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, 2 की 3 से 4 MB की, ज़्यादा MB की नहीं, तो काफ़ी आसानी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड 3.8 की काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 10 मिलियन डाउनलोड है, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इसके इंटरफेस देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा डायरेक्टली। तो मैं बेक कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली यहाँ पे फ़ोन आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग कोई भी फ़ोन पे क्लिक कर जाए, फोन आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट फ़ोन चल रही होगी ना, आप लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि एलेक्सा ब्रश कर देता हूँ मैं, तो इस पर देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी फ़ोन है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी है ना। आप लोग बैक करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरफेस है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ना। जैसे देख सकते हैं स्टेटस बार में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको मिल जाते हैं, जो ऑटोमेटिकली अपनी जो फ़ोन है चेंज हो चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ आप लोग को, काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर लुक मिल जाएगा। एंड फिर से हम फ़ोन पर चल जाते हैं, आप लोग कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कोई भी आप लोग को फ़ोन जो पसंद है एंड यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, तो आप लोग यहाँ से कर दीजिएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पर लुक मिल जाएगा फ़ोन का। एंड आप लोगों को शायद नहीं पता रहा होगा, बट इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप से आप लोग फ़ोन चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। जय माता दी।